सवाल ही पैदा नहीं होता अरबाज साहब। भले मुझे अपनी जान पर खेलना पड़े लेकिन आपकी जान को आंच नहीं आने देंगे। जानता हूं, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे घर तक पहुंचा दिया है। गैरों वाली बात कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? जरूरतें तो हम सबकी हैं इंस्पेक्टर, किसी की जरूरतें पूरी होती हैं और कोई महरूम रह जाता है। आगे जानते हो तुम, तुम्हें क्या करना है? बहुत अच्छी तरह जानता हूं, आप फिक्र ना करें, मैं सारा मलबा उस नंबर प्लेट वाले पर डाल दूंगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वैसे भी बड़े बड़े लोगों का इस मुल्क में मर्डर हो गया है, आज तक कभी किसी कातिल का पता लगा है? ये तो फिर भी एक मामूली सा बिल्डर था, आप फिक्र ना करें, इस खेल को किनारे लगाना मुझे आता है। और एक बात कहूं, किस्मत की देवी आप पर बड़ी मेहरबान है, जैसा सोचते हैं जैसा चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। आप देखें ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, मान गया आपको अरबाज साहब। वाह, संभाल लेना। बिल्कुल। यहां से गिरने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम बच पाओगे। जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना होगा ना यार। तफा 302 के तहत फांसी पर तो नहीं लटक सकते, हमारे इर्द गिर्द मौत घूम रही है यार। और बॉस को जरा सा भी शक हो गया ना तो सारा मलबा हम पे डाल के खुद इधर से साइड पे हो जाएगा। हेलो आलियान, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मैं, अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ इमाद भाई का कुछ पता चला? कुछ पूछ रही हूँ आलियान, तुम चुप क्यों? हाँ सॉरी मानू, मैं बिल्कुल भूल गया था अपनी टेंशन्स में। मम्मी भी हैदराबाद चली गई हैं, जिसकी वजह से मैं काफी डिस्टर्ब हूँ। आई एम सॉरी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम भी किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अरे तुम क्यों सॉरी कर रही हो, जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से ही तो हो रहा है। इमाद भाई का कुछ पता नहीं चल रहा, यहाँ अम्मी परेशान है और वहाँ सानिया आ गई। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही कि इमाद भाई जिंदा भी हैं या नहीं। पर से अरबाज की बार बार कॉल आ रही है मेरे पास। अरबाज की कौन, क्या बात हुई तुम्हारी उसे, उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं, मैंने तो उसकी कॉल उठाई नहीं, मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती। आलियान प्लीज, जितनी जल्दी हो सके इमाद भाई का कुछ पता लगाओ। ठीक है, मुझे जैसे कुछ पता चलता है मैं बताता हूँ तुम्हें मानूर। आलियान प्लीज, इस बार कोई झूठ मत बोलना तुम्हें, मरियम की कसम। आलियान, आलियान तुम सुन रहे हो, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। सुन रहा हूँ मानूर, ऐसा कुछ नहीं होगा।